मेरा ये बरसात हुआ तो घर गिर गया। कौन तारीख को? 18 तारीख को। जैसे घटना हुआ है, इसके लिए किसके किसको बताएं? गांव में जो पंच लोग हैं उनको बताए, पटवारी को बताए। तो क्या बोले वो लोग? पटवारी बोला 3-4 दिन के बाद आएंगे। आए नहीं आए, घर का आधा भाग के गया। तो अभी कहाँ रह रहे हैं? उसी आधा में, जो आधा बचा है उसी में अपना केड़ा मेड़ा बनाकर रहते हैं। अभी आपके घर में कौन कौन रहता है? पूरे अपने 6 बच्ची हैं, 1 बच्चा है और दोनों हम हैं। तो जैसे आपका एक भाग गिर गया है तो आपको ये डर बना नहीं रहता कहूँ ये भाग भी न गिरे? डर तो बना है, लेकिन अब कहाँ जाएं, दूसरा कोई स्थान ही नहीं। थोड़ा बहुत ये लकड़ी कंडा खपरा वगैरह यही नुकसान हुआ है। ऐसे जैसे आपके साथ ये घटना हुआ, गांव में और किसी के साथ हुआ? जी हाँ, कई लोगों को गिरा। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि शासन की तरफ से कुछ मदद मिलता, मिल जाता तो हम इसका मरम्मत कर लेते। जो यह है, हमारे गांव के जो मकानों का क्षतिग्रस्त हुआ है, इनका जांच करके उनको मुआवजा दिया जाए और जो इंदिरा आवास योजना के पात्र हैं उनको इंदिरा आवास योजना के तहत उनको इंदिरा आवास दिया जाए। यह सुविधा ब्लॉक सीओ कर सकते हैं। यह वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूं कि हमारे उमरिया जिले के करकेली ब्लॉक के सीओ साहब हैं BS यादव, जिनका ऑफिस का नंबर है 076-53-26-12-05। यह नंबर पर कॉल करके इन अधिकारियों पर दबाव बनाएं। मैं रामलाल बैगा, ग्राम तखतपुर, ब्लॉक करकेली, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहार्ड के लिए।